गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज अब क्या है कि सुबह शाम को भी ठंड लग रही है, घर में बैठो तो भी ठंड लग रही है। अब मुझे ये पहनना पड़ेगा। ये चिड़िया लोग जो नीचे है उसमें से नहीं खाएंगे, इसमें से और निकाल निकाल के खाएगी। ये अंडा ऐसे कैसे घूम रहा? किसी कबूतर को लगता है जोर का प्रेशर आया होगा अंडे का और वो यहीं पे पुक करके चली गई। जाने अनजाने में हमारे सोफे के नीचे कितना गंदा रहता है। मैडम जी ही सरकार है, सरकार सरकार के सोफा चमका दी एकदम। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लीनिंग। गाड़ी का कपड़ा ही सब लोग निकाल लेते हैं, आज सारी गाड़ियों में एक एक कपड़े डाल देंगे। तो आज हिमालयन को ले जा रहे हैं बैटरी चेंज करने के लिए। धक्का मारा क्या हुई? तो अभी मैं ये पल्सर लेके जाऊंगा, भैया लेके जाएगा हिमालयन। ये हम आ गए रॉयल एनफील्ड का शोरूम। अब यहाँ पे कराएंगे फटाफट काम अपना। आप अगर नई गाड़ी खरीदते हो तो ये गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग मुझे लगता नहीं है कि ढंग से हो रही है, क्योंकि जितनी बार हम लोग करवा के जा रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है, इसीलिए उसको लंबे राइड पे ले जाने में भी डर लगता है। मीरा रोड का पैलेडियम जहाँ पर रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर है, बस यहीं पे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ का पार्ट्स अगर रिप्लेसमेंट है ना, हाँ जल्दी मिल पाए नहीं कंपनी में डाला है सर आएगा। इसका बहुत ज्यादा है क्या? अब निकलता हूँ जिम, एक घंटा ही बचा है मेरे पास। आप लोग पूछते हो कि भैया जिम पर वीडियो बनाइए। देखो भाई, मैं किसी को बता नहीं सकता कि किस तरीके से जिम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हजारों वीडियो उससे बने हुए हैं, और कैसे करते हैं वो तो खुद मैं देख देख के सीख रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ अभी, बस मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि आप भी जिम करिए, कंटिन्यू जिम करिए। जितनी भी हमारी माता बहनें हैं हर कोई जिम करिए। जिम नहीं जा पा रही हो तो आप योगा करिए, योगा नहीं कर पा रही हो तो वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, बट अपने आप को फिट रखिए। कोई ठंडी के चक्कर में केला ही नहीं खा रहा है, 5 केले खराब हो गए हमारे। देखो वर्कआउट करने के लिए ना सॉन्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको एक किक देता है। लेकिन आजकल मैं सॉन्ग के जगह पे न्यूज़ सुनता रहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ सुनने को मुझे टाइम मिलता नहीं, तो हेडफोन लगा करके 1.5 घंटे मस्त सारा न्यूज़ मेरा कवर हो जाता है। I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. Block to the. Thank you. ऐसा लग रहा है जो मिलेगा सब खा जाऊंगा। What we both sisters. तो आज मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने। कहाँ गई बैटरी? डब्बा बदल गया डब्बा। चलाने वाले ही जो हैं। चलो बहुत काम कर लिया, अब जो है इसको बंद करते हैं, अब बैठेंगे रात को एडिट करने के लिए। ये चूहे के पैर का नहीं। साइकिल में लॉक की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड के लिए हम ये ले लेते हैं, क्या पता कहीं पार्किंग करनी हो गई तो। किस तरीके से झाड़ में पानी दिया जाता है, ऐसे ही ट्रक चलती रहेगी, एक आदमी हल्के से पकड़ा रहेगा। कल है 26 जनवरी, इसीलिए तिरंगे का बैलून बेचा जा रहा है। ये मीरा रोड का बिल्कुल आखिरी छोर है, एक बार और दिखाया था आपको उस तरफ का, और ये है पश्चिम की तरफ का। अभी इसके पीछे से पहाड़ शुरू हो जाएगा, वहाँ तक लास्ट कंस्ट्रक्शन है, और इधर
एक बहुत बड़ा तबेला है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोगों ने क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं। मोबाइल लेके आओ। मोबाइल कहाँ? मोबाइल में नेट नहीं है। अरे रे वेद दुबे ना। हाँ यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आती है तो इसीलिए मस्त खेलने की जगह। ए हो हॉटस्पॉट देना, कोई हॉटस्पॉट देना 2 मिनट के लिए। लो तुमको मैं खुद ही हॉटस्पॉट देता हूँ। थैंक यू। देखो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जब आते हैं तो उनको सब्सक्राइबर मिलते हैं, मेरे अभी बन रहे हैं। एक समय आएगा जब मैं आऊँगा तब फिर आप लोग बोलोगे अरे मैंने आपका वीडियो देखा है ना। ऐसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर का फैन हूँ, ऐसे भी बहुत जन का देखता हूँ ना। किसका किसका देखते हो? मैं हमेशा वो पबजी यूट्यूबर लोग का देखता हूँ, क्या बोलते हैं सब फ्री फायर वाले वो सब का देखता हूँ ना। चालू करो, पासवर्ड दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अरे लग गई। आराम से आराम से भाई। क्यों पापा कहाँ? पापा कहाँ हैं? ठीक है, कौन सी बिल्डिंग है? यही बगल की बिल्डिंग में एक दोस्त रहता है, आप लोगों ने देखा होगा उसको प्राइम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं उससे घर पे, बैठेंगे कभी आएंगे, चाय वाय पियेंगे, गिटार विटार बजाएंगे। भाई मीनाताई मालूम है? मीनाताई हॉल। शादी के बाद बंदा मोटरसाइकिल से साइकिल में आ जाता है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो प्रो के साथ घूम रहे हो? कहीं मेरा साथ एनकाउंटर तो नहीं होने वाला कुछ? मोटरसाइकिल से मोटा हो गया था तो इसलिए साइकिल जाकर फिर से। मैं भी सोच रहा हूँ एक साइकिल लेने का। तो यार आओ चलो घर पे, बड़े समय बाद आ गया। मैं सुबह यहीं रनिंग करता हूँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं कि मेरे दोस्त मेरे दोस्त है। अरे वाह माशाल्लाह क्या दोस्त है, बहुत बढ़िया। मैं फंक्शनल ही कर रहा हूँ, 100 पुशअप्स मारता हूँ, उससे पहले सूर्य नमस्कार करता हूँ, वो कंप्लीट। बेस्ट है, बेस्ट है वो, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए। हाँ यार मैं आप गाओ, मैं सिर्फ बजाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं गाऊंगा। आप गाओ मैं बजाऊंगा। तो आप लोग को पहले बता दूं कि हितेश पांडे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अच्छे कलाकार इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे गुलशन पांडे जी के सुपुत्र हैं। तालियां। और ये बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, तो अभी हम 2 मिनट के लिए इनका टैलेंट बेचेंगे यूट्यूब पर। इसमें दिख क्यों नहीं रहा? लेकिन मैंने बंद कर रखा है वो सामने का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका फुटेज पीछे आ रहा है क्या? हाँ। और ये अभी ये रेड किलर खा के मस्त एनर्जी मिलेगी। जी अभी उतना परफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन गाओगे आप? मैं गाऊंगा। हाँ मैं तो सिर्फ बजाता हूँ ना, ड्रम गिटार। ठीक है, है ना? आप गाओगे? ओके ठीक है, ये फिनिश करते हैं तब तक आप। हाँ गरमा लो अपना हाथ वाथ। गाना बता। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, मेरी जो हंजूर उड़ दे, मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे। आपने साथ देने की बात कही थी। हाँ बस बस ये खत्म कर लूं। देखिए ये है हमारे हितेश पांडे जी की अचीवमेंट। देखिए ये मुझे कॉलेज में मिला था, ये ईयर है 2019 में, कॉलेज को 25 साल हुए थे। तो फिर कॉलेज के जितने भी एक्स स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, उन सभी को ये मिला था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनमें से एक हूँ जिसने थोड़ा सा कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में कॉलेज की नज़र से। तो थैंक यू एसएन कॉलेज। मतलब बुला के दिया था एकदम स्टेज पे। अरे स्टेज पे बुला के दिया, पीछे क्राइम पेट्रोल की वीडियोस चल रही थी और यहाँ पे तालियां मेरे दोस्त। अरे हितेश, अरे पांडे जी, वाह वाह। मैंने कहा भाई यही चाहिए था।
ये सब तो पापा जी। हाँ ये पापा का ही है, ये स्पेशल गेस्ट टाइप। अरे उनके तो अवार्ड तो बहुत अभी तो फिर भी यहाँ पे कम है। जो हमारा पंजाब वाला घर था ना, पापा थिएटर बहुत करते थे, तो थिएटर की भी ट्रॉफीज इतनी होती थी पापा के घर पे। वही तो, वो तो बचपन से ही एक्टर हैं और उनको तो हम लोग देख के क्राइम पेट्रोल में बड़े हुए हैं। इतना काम उन्होंने किया है, ये सारे अवार्ड अचीवमेंट। ये कुल्हड़ वाली चाय हर जगह मिलती नहीं है, तो हितेश भाई के घर के सामने ही ये है ये दुकान, इसीलिए हमने घर पे चाय नहीं पी। दमदार चाह। दो घंटे से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं लेकिन जाने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, एक्टिंग से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड। मन कर रहा है अभी और दो घंटे खड़े खड़े बात करें। चलो फिर से चाय पीते हैं। सीरियसली? हाँ पीते हैं, और क्या, टेस्टी थी ना चाय। हाँ हाँ हाँ, एक और हो जाए। कुल्लड़ में पेटीएम है ना आपके यहाँ? हाँ। अरे थांबा, नहीं 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 नहीं, शॉर्ट चाहिए मुझे। अरे वाह, ठीक है। गुलाब का पत्ती डाला आपने, गुलकंद का क्या डाला? गुलकंद का गुड़। अच्छा ये गुड़ की चाय है, शक्कर नहीं है? फिर तो और दो दो पी सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा? और क्या नहीं करता। अरे दुबे जी वेट, क्यों? आई एम करिंग। अरे नहीं यार, थोड़ा हमको भी सेवा का मौका दीजिए। हाँ यार चाय टेस्टी है दुबे जी, यहाँ बहुत अच्छी चाय। मुझे नहीं पता था, मैं तो आपको वहाँ लेके जा रहा था आरबी के स्कूल के पास, है ना। कुल्हड़ भी मिल गया, गुड़ भी मिल गया और मिट्टी भी मिल गई मुंबई की, और ठंडी भी मिल गई। अरे हाँ यार, आजकल ठंड बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग विद हितेश। और जब भी दो एक्टर बैठ के बातचीत करते हैं ना, तो ऐसे बहुत कुछ सामने निकल के आता है। जैसे कि हम उसकी जर्नी के बारे में पता करते हैं, उसकी तैयारी क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक्टर ही आपको बता सकता है। तो जैसे अभी उसने मुझे बताया कि एक राइटर हैं कृष्णा चंदर, उनकी एक कहानी है महालक्ष्मी का पुल, और उसने इतनी तारीफ़ की इस कहानी की और इतने अच्छे से बताया, उसने मुझे हाईली रिकमेंड किया कि ये कहानी आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जिस तरीके से राइटर ने चीज़ों को दिखाया है अपने राइटिंग के ज़रिए, वो चीज़ आपको दिख जाएगा। तो वो किताब तो अभी मैं ख़रीद नहीं सकता ऑन द स्पॉट, इसीलिए वो कहानी मैंने रेख्ता से डाउनलोड किया और इसको हार्ड कॉपी में पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कहानी, नाटक, कविता, ये सब कुछ मुझे ना किताब पढ़ने में ही अच्छा लगता है, फील आता है एक। तो बस अभी करते हैं एडिटिंग, ये ख़त्म हो जाए एक बार, उसके बाद फिर ये कहानी कंप्लीट करते हैं और आपको अगले व्लॉग में बताते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात थी महालक्ष्मी का पुल में वो। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।